And I think he's on a hat-trick. This is his third hit, which is fantastic. And he's as simple and more connected to India than most people in Bombay. And I just feel I want to thank him because this is his third film with us, his third hit film with us. And I just want to tell him that I'm really grateful he's part of our family. And he's given this really special film. My entire family, I used to live with 25 people. I saw the film with all of them. And it was amazing. It kind of reminds each one of them of moments you've had in the life he's lived. So thank you very much, Lakshman. Thank you, Vicky. Like I told you, Vicky is one of, I always tell him he's one of the best actors I've worked with. We all know that. But he's an amazing human being and he's a team player. And I think he looks at every scene like it's important. He's not trying to be the best. He's trying to make the scene the best. And there are very few actors like you who do that. So thank you, Vicky. And this is our first interview. And we've done some really good films together. And I'm very, very happy that the legacy continues. So thank you. I want to give a big shout out to my entire Madhok team. There's Sharda and Pooja who've actually made this film. You know, she found the story and Pooja ran the film. And she's been with me for 20 years. She's been with me from college. And this victory is as much hers as mine. I'd like to thank my marketing team, Nikita, Sonali, Priyanka. The way they've positioned this film and made it our story, kudos to them. And you know, they want to thank the photographers because y'all have put such beautiful pictures of Soumya and Kapil that people have wanted to watch the film. Madhok can continue and make stories like this. So eternally grateful and thank you very much. क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा है, ज़रा हटके देखा है और तो वो दिख रहा है सब जगह पे. थैंक यू टू विकी एंड सारा फॉर एक्चुअली पुटिंग सोल इन सोमैन कपिल. मतलब उनको जिंदा किया आपने स्क्रीन पे और वो दिख रहा है. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो स्माइल एक दूसरे के लिए या गुस्सा एक दूसरे के लिए, वैसे लगता है कि मिडिल क्लास के हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं. और वही वजह है कि इस फिल्म पे सब लोग बिलीव कर रहे हैं. बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा दिनू सर को एक्चुअली, क्योंकि 15 दिन पहले मुझे फोन आया था कि सर कॉपी रेडी हो जाएगी. मैंने कहा हो जाएगी. कितने दिन में? मैंने कहा 10 दिन में. 8 दिन में हो जाएगी? वो भी हो जाएगा. एंड 15 दिन में फिल्म को रिलीज करना, मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया. फिल्म अच्छी बना सकते हैं, मैं बना लेता हूँ वैसे. फॉर दिस बिकॉज आपने थिएटर्स के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए. जहां पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा, ग्रैंड फिल्म चलेगी, वहां पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया. एंड सीरियसली इट्स अ बिग चेंज इन द इंडस्ट्री. मतलब आज भी सारे चुप है क्योंकि किसी को पता नहीं हो क्या रहा है. बोल रहे हैं 1x1 फ्री दिया इसलिए चल रहे. अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो 1 किलो पे आधा किलो फ्री है, कुत्ता लेगा क्या? सीरियसली नहीं लेगा. जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे, है ना. अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं, लेकिन पानी में गंध हो तो कौन पिएगा? तो हमने फिल्म अच्छी बनाई और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए, जिस दौर में हम लोग चल रहे थे, जो थिएटर्स की हालत थी, उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया. एंड सीरियसली सर, एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है, बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को उसका जो हकदार ऑडियंस है उनके तक पहुंचाना अलग बात है. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. नोबडी एल्स कैन डू इट इन द इंडस्ट्री. डाल दूंगा, लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है और सौम्या कपिल आप लोग जा जा जाके पानी पूरी क्या 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 खा रहे थे भाई साहब, कमाल. मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, पर थैंक यू. सॉरी, माफी भी देगा, बहुत देगा. ओ हाँ, माफी बहुत बहुत मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ. और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था. मैं
बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, वाज आई इमेजिनिंग इट, विल इट एवर रियली हैपन अगेन? और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट सो सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दिस। ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ डेब्यू अगेन बिकॉज इट्स बीन हाफ अ डेकेड ऑलमोस्ट। आई शुडंट एज माइसेल्फ लाइक दिस। एनीवे, इट्स बीन अ व्हाइल एंड रियली थैंक यू वेरी वेरी मच सर, मेकिंग मी अंडरस्टैंड वेयर शी कम्स फ्रॉम। Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything, really truly thank you. And thank you Kapil for making Soumya come to life, and thank you Vicky for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that, but you are so humble, so gracious and so giving. From nahi sach mein yaar, matlab sahi bol rahi hu yaar, teri coffee se lekar tere acting tak sab share karte ho, which is I think great. So thank you very very much. And again thank you to the marketing team, thank you to everyone, but mainly and mostly thank you to the audience. तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया, उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच। तीन लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है, पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके जरिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे, और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियां फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है, और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जांपल है, ये तो ओटीटी पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमा घर में चली है, तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं। तो लाइक आई थिंक अमंगस्ट ऑल ऑफ अस द मोस्ट कॉन्फिडेंट वाज लक्ष्मण सर ऑलवेज, बिकॉज ही केप्ट सेइंग सर मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी, ये हर इंसान इस देश में ये कनेक्ट करेगा, पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, पर कनेक्ट जरूर करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया। सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए, और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं था, और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट जरूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही, वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट जरूर करेगी। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब काफी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से, और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें जरा हटके जरा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली मैंने फोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू से दिस टूडे ऑन दिस स्टेज दैट I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform, and he would have been completely correct in everybody's eyes, but
he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time. And sir, dil se thank you. उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर, ट्रेलर, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था. डीनू सर हैज बीन सिटिंग इन हिज ऑफिस टिल 3 AM इन द मॉर्निंग विद हिज सुपर्ब टीम एट मैडॉक टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को. बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर, एंड थैंक यू सारा. मैं चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो, ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है. सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट. थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू. लेके आना पड़ता है हम लोग बोलना नहीं, बट भाभी जी क्या बोलती हैं, चिल्ला दी और शाम में वही गाना पड़ता है. प्लीज यू कैन ऑल्सो टेल अस दिस इज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर में मम्मी चिल्ला रही है कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए. स्कूल के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में एक ले जाते थे, लाती वापस तीन थी. तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं, तो तीनों सर जो मुझे बचपन से जानते हैं उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट अगर हम बांटेंगे ना उनको तुम चुरा के घर नहीं चले जाओ. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है. सारा का एक प्रॉब्लम है. अच्छा वैसे हमारे सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर. जय कॉन्ग्रेचुलेशन. धर्म पत्नी को देना. हाँ जय, अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा साथ में. ये भी वाटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी. I think पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए. आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं. बाकी माय नेक्स्ट वर्स की डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए. आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे. फैंटास्टिक. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है. टिकट ले लो, मतलब आप देर दिन ट्रैवल, एक टिकट पे देर दिन ट्रैवल कर सकते हो. क्या बात है, बट आई थिंक ही विंस. मैं बट बॉम्बे के अंदर हां, बॉम्बे के अंदर पता चला दिल्ली पहुंच गए. अरे सिर्फ जा सकते आ नहीं सकते. तो एकदम सीक्रेट. क्या बात है. यस एंड दिनेश बर्थडे. ओके ये मोबाइल उठाओगे थोड़ा. एक दूसरे के यही चाहिए. मनोज मनोज सर नारा जी. अरे मनोज जी नीचे बैठो यार.